ना तड़पने की इजाजत है ना फरियाद की, घुटके मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सयाद की। तो मैंने गलती क्या की, मेरा गुनाह क्या है, मुझे तो अपने गुनाह का भी नहीं पता चल पाया कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की बात की, मैंने तो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की। मेरे मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का सबूत मेरे आने के बाद पार्टी को मिले हुए वोटों के अंदर खुद ब खुद परिलक्षित हो रहा है। जहां जहां गया वहां वहां वोटों के अंदर वृद्धि हुई। तो उसके बाद आप मुझे पार्टी से निकाल रहे हो, तो मेरी समझ से तो बाहर है। तो क्या कुछ कहेंगे आगामी? मैं पार्टी के साथी हैं, मेरे साथी हैं, बैठ करके निर्णय लेंगे, बात जो भी होगा फैसला करके। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और एक नियत के साथ हम बहुजन समाज पार्टी में आए थे कि शोषितों का, वंचितों का, गरीबों का जो पार्टी के अंदर हित है उसको संरक्षित करेंगे और इस लड़ाई को, इस मूवमेंट को जो बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच का है उसको मजबूत करेंगे। बाबा साहब के संविधान के ऊपर जब देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बयान जारी कर दें, उसके बाद अगर हम चेताने की बात करें, उसको अनुशासनहीनता मान ली जाए, तो मैं क्या बात कर सकता हूँ? जिलाध्यक्ष का आरोप है कि सदस्यता की रसीदें भी लेकर के कुछ। और सदस्यता की रसीदें क्या है भाई? आपको पता है मेरी औकात नहीं है कि मैं 5 करोड़ दे दूं। मेरी औकात नहीं है, नहीं दे सकता मैं कहां से दे दूं भाई? नहीं दे सकता मैं। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। जो रसीदें आप रसीदें भर कर रख दो कि मैं क्या करूं उनका भाई? मेरी हैसियत होगी उतना ही तो मैं कर सकता हूं। अगली क्या तैयारी? साथियों को बुलाकर मशवरा करूंगा, जो साथी फैसला करेंगे वो फैसला करेंगे। 2024 में बसपा को फिर का देख रहे हैं, जैसे कि आप निकल 0 पर आउट होना है साहब। अगर गठबंधन में नहीं जाएंगे तो 0 पर आउट होंगे, 0 पर लिख लीजिए, 0 पर। और यही मैंने परसों इंटरव्यू में बोला था। मैंने गलत क्या बोल दिया भाई? मैंने यही तो कहा कि 0 पर आउट हो जाओगे। इसमें मैंने मिशन मूवमेंट को मजबूत करने की बात की, कोई मिशन मूवमेंट को कमजोर करने की बात थोड़ी ना की। और बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, इसलिए बहन जी के बारे में ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना मैं कुछ कह सकता हूँ। 1,46,000 वोट लेकर मेयर के चुनाव में उसका ठीकरा भी आप पर फोड़ा जा रहा है यार, क्या कहेंगे? हाँ। जमानत जब्त होने का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे जो सबकी जमानतें जब्त हुई थी पिछले चुनाव में? चलिए, मैं तो मिशन मूवमेंट को जोड़ने के लिए आया था। जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब ने शुरू कर माननीय काशीराम जी ने जिसको पोसने का काम किया हो, और बहन जी के नेतृत्व में जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई हो, वो मिशन मूवमेंट 10 साल के अंदर इस हालत में पहुंच गया कि 2022 में केवल एक सीट के ऊपर। और आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, मुझे तो निष्कासन की सूचना भी यहीं से प्राप्त हुई है। मुझे बसपा में तो बहन जी ने शामिल किया था, जिलाध्यक्ष ने तो किया नहीं था। बेचारा जिलाध्यक्ष निष्कासित कर रहा है तो ये उनका काम है भाई। तो अब मैं इस पर अभी देखता है, साथियों से मशवरा करेंगे, साथियों से बात करके फैसला करेंगे। देखिए अभी कोई चर्चा नहीं है, मेरी किसी से कोई बात नहीं है। हम साथियों से मशवरा करेंगे और साथियों से मशवरा कर करके फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव साथी लड़ना चाहते हैं, इमरान तो कुछ है नहीं, साथी लड़ना चाहते हैं कि चुनाव लड़ना है तो लड़ा जाएगा, बस इतना ही कह सकता हूँ। अरे अब आप छोड़िए ना, ये भविष्य के प्रश्न अभी से आप क्यों पूछ रहे हो? चुनाव लड़ेंगे 100% होता है। ये फैसला मेरे साथी लेंगे। ये टैग लाइन है, पैसा नहीं है तो बाहर कर। हेलो हेलो।